हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर सुवेद। आज की का टाइटल है माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, पाक मौलाना बिकम फैन ऑफ इंडिया। मतलब सरमजीत का गाइस वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पाक मौलाना का फर्स्ट विजिट जब हुआ भारत से, वो जब वापस होकर आए हैं पाकिस्तान के एक मौलाना, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसा उनको इंडिया लगा, वो फैन बन गए इंडिया के, क्या उन्होंने बातें की हैं, सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक है। पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, वहाँ की खुशबू क्या कहती है, और वहाँ की यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिए यहाँ से भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है और तरक्याती उनकी बहुत ज्यादा हुई हुई है, यानी उनके रोड्स वगैरह और स्टेशन। जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला, और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका जहन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से दो बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या तो जिंदा वापस आएंगे। यही हमने सोच लिया था। वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखा मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कोई और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मजारात की, तो मजारात पे जो भी मामलात हैं, तो उसमें भी जो है ना कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कैदो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर जो भी पड़ोसी मुल्क होता है ना, तो उससे जो है ना ताल्लुकात अच्छे से अच्छे रखे जाते हैं, ये हमने देखा है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे साथ एक अजीब और गरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने के क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफगानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी के जिनके दोनों मुल्क से मामलात ही अच्छे नहीं। आज जो है ना, हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो है, हमें तालीम ही नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते ना, हम लड़ाई की बात, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते। सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं भूलूंगा, क्योंकि इंसान इंसान को नहीं भूलता, लेकिन खाना पीना भूल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनमजीत, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमें पाकिस्तान के शहर कराची से मोहम्मद याया ने ज्वाइन किया है, जो रिसेंटली इंडिया का विजिट करके आए हैं। इनका इंडिया का ये दौरा कैसा रहा, वहां कैसे जाना हुआ, किन किन शहरों में ये गए, वहां के लोगों के रवैये इनके साथ कैसे थे, वो सब जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत किया और कैसे जाना हुआ इंडिया? देखिए, इंडिया जो मेरा जाना हुआ था ना, वो हुआ था पिलग्रियम पर ना। पिलग्रियम होता है ये, इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें लेके जाती है ना इंडिया, और उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह उनकी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मेरा जो बेसिक वीजा था वो पिलग्रियम था, विजिट वीजा नहीं था। अमूमन लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने विजिट वीजा लिया था, तो मैं उनसे यही अर्ज करता हूँ कि मैंने विजिट वीजा नहीं लिया था, ये जियारत वीजा होता है, और इसकी लिमिट ऑफ डेज जो होती है ना वो 10 डेज होती है, और इसमें जो स्टे ऑफ डेज होते हैं ना वो 5 डेज होते हैं। यानी हम इंडिया में जिस शहर का भी वीजा मिलता है, वहां पर हम सिर्फ 5 ही दिन रुक सकते हैं उसमें। अच्छा, शहर का वीजा होता है। सर इंडिया के किन किन शहरों में विजिट किया आपने इन 5 दिनों के अंदर? असल में देखें, एक तो ये डे ऑफ शॉर्ट है,
ठीक है ना, 5 दिन में आप कुछ भी चीजें कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि अगर आपके किसी एक शहर से दूसरे शहर में अगर रिश्तेदार है तो आप वहां भी नामुमकिन वाली बात है कि आप जाएं। क्योंकि वीजा जो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है उनकी हुकूमत की तरफ से वो एक ही शहर का दिया जाता है जिस शहर को पिलग्रिम अलाउ होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो अप्लाई किया था वो दिल्ली के लिए किया था ना, तो जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था तो वो उर्स था और उर्स था हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक इनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। तो मैंने इनके उर्स के सिलसिले में ही अप्लाई किया था। तो सर ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आपको यहाँ पर किन के उर्स पर जाना चाहिए, लाइक किस तरह ये ख्वाहिश आपके दिल के अंदर पैदा हुई? असल में देखें मामला ये था कि इंडिया जो है ना ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक है, मतलब पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की जमीन क्या कहती है ना। तो बस इस सिलसिले में बस जस्तजू लगी रही। तो मेरा विजिट पे बेसिकली जाने का प्लान था, लेकिन विजिट के लिए जो है ना कोई रिश्तेदार मुझे मिल नहीं रहा था ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिश्तेदार हमारे हमने ढूंढे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो सर विजिट वीजा और इस वीजा में क्या फर्क है और कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये वीजा? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा बंद किए हुए हैं, हाँ। इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं। देखिए इंडिया से पाकिस्तान आना बहुत सिंपल है, वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान आराम से आया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली कोई रिश्तेदार हमारे आए हुए कराची का, वो इंदौर से आए हुए थे, वो जा चुके। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो सारी हमारे साथ, असल में हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानियों को और खासकर मुसलमानों को जो वीजे प्रोवाइड किए जाते हैं ना वो बहुत लिमिटेड दिए जा रहे हैं ना, बड़ी किल्लत से देते हैं। और किल्लत से जो वीजे दिए जाते हैं ना वो दोनों में दिए जाते हैं, पिलग्रिम में भी बहुत शॉर्ट वीजे दिए जाते हैं और विजिट पे भी शॉर्ट वीजे दिए जाते हैं। अगर हम पिलग्रिम में बात करते हैं ना, अगर पिलग्रिम का जैसे अलाउ हुआ था 200% का ना, यानी कि इनका 200% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए, यानी आपने जो ग्रुप लेके आने में 200 बंदों का लेके आना, इन्होंने 200 पासपोर्ट, हाँ मजहबी उम्र वालों ने 200 पासपोर्ट अम्बेसी वालों को भिजवाए। अब उसमें से भी जो है ना ये पासपोर्ट को शॉर्ट कर देते हैं, उसमें से भी जो है ना 100-110% को ही वीजे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब लास्ट ईयर जो पिछले साल अजमेर में उर्स हुआ था उसके अंदर भी सेम यही हुआ था कि अजमेर का हर साल 500% का ग्रुप जाता है 500 बंदों का, तो उसके अंदर भी उन्होंने शॉर्ट कर दिया था, हाफ ग्रुप उन्होंने डेडिकेट किया था, यानी 250 बंदों को, यानी 249 वीजे उन्होंने अप्रूव किए थे पासपोर्ट में। तो ये थोड़ी सी जो है ना इंडियन हुकूमत की तरफ से, बाकी हमारी जो वहां पर दिल्ली में अम्बेसी बनी हुई है उनको तो इजी टू वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है, बस वो सुबह जाते हैं और शाम को उनको वीजा मिल जाता है। तो सर आपका ये इंडिया का पहला दौरा था या इससे पहले भी आप जा चुके हैं? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप। तो कैसा लगा आपको पहली दफा इंडिया जाकर, क्या फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए लोगों में तो बाहर कोई फर्क नहीं है, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है और तरक्याती उनकी बहुत ज्यादा हुई हुई है, यानी उनके रोड्स वगैरह और स्टेशन। इवन यहाँ तक के हमारा जितना भी सफर था वो ट्रेन का ही हुआ है ना, यानी कि हमने अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली ही गए और दिल्ली से रिटर्न में हम ट्रेन में ही आए अमृतसर। ट्रेन उनकी वेल डेवलप है हमारी निस्बत, हमारी जैसे ग्रीन लाइन है तो उनकी वहां पर इकोनॉमी क्लास है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था, क्या खौफ तारी था कि इंडिया जाऊंगा तो क्या वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, वहाँ पे लोगों का रवैया कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त आपने सुन्नत नबवी अपने मुंह के ऊपर सजाई हुई है, मैं दाढ़ी की बात कर रही हूँ, और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पहचाने जाते हैं, और इंडिया में मुसलमानों को आजादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर जुल्म ज्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ था आपके दिमाग में और क्या तासुर था जाने से पहले, क्या सोच के रखा हुआ था इंडिया के बारे में? देखें जिस टाइम मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया था ना, मैं आपको शुरू से अर्ज करता हूँ, तो
क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा इलाका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है, इवन कराची के अंदर भी मुझे अच्छी तादाद में लोग जानते हैं क्योंकि फील्ड वाइज भी ना, तो हमारा काम बेसिकली जो है ना तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमने का है, फ्यूमिगेशन का मेरा काम है। और ये आपने जो बात कही ना डर खौफ वाली, उस पर ही मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो आपका जहन जो है डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से दो बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही। हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या तो जिंदा वापस आएंगे, यही हमने सोच लिया था, या तो अल्लाह की राह में शहीद है या तो गाजी बन के वापस आएंगे। लेकिन जब हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाजे पे अटारी दरवाजे पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज्जत करी हमारी और ये कहने के बस गले नहीं मिला हूँ, लेकिन जो उसकी गुफ्तगु और जो उसका जो मिलन था ना वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतजार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आए तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर। पहली बात, दूसरी बात, जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुंचे तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज था, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो तो ये हो तो वो हो, इस तरह की उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा, और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बात की कि आप मजार शरीफ पर हाजिरी के लिए गए थे, दरगाह पर गए थे, अगर हम एक मिनट के लिए अपनी दरगाहों की बात करें, पाकिस्तान के बड़े बड़े मजार इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, तो हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह उन मजारों को, उन दरगाहों को, उन मसाजिद को रखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहां पर मुसलमानों को आजादी नहीं है मसाजिद में जाने की, नमाज पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, आप अपनी आंखों से वहां पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें जो मीडिया की सुनी सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारा सोशल मीडिया और न्यूज और उनका सोशल मीडिया और उनकी न्यूज दोनों तरफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। उनको खुशी ये मिलती है जब यहाँ की कोई न्यूज वहां दिखाई जाती है, और हमें खुशी क्या मिलती है जब वहां की कोई न्यूज यहाँ दिखाई जाती है। ये टोटल ऑल ऑफ जो है ना दोनों साइड पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके सामने बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखे मैं खुद वहां पे रह के आया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे दिनों के अंदर एक जुमा भी आ चुका था, तो वहां पर जी वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखे मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे इल्म में नहीं। और दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मजारात की, तो मजारात पे जो भी मामलात हैं तो उसमें भी जो है ना कोई वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कैदो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया हो, नहीं किया वहां पर मस्जिद मतलब इन्होंने कुछ भी कहते हैं नोटिस नहीं किया। वैसे बस लोग ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं एक दूसरे के बीच, और ये इसमें कोई शक नहीं, हमारी मीडिया जब भी ये भारत का बोलेगी गलत बोलेगी लोग तो फिर हाँ सोचेंगे, लेकिन जब वहां जाते हैं जब इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं कि इंडिया के लोग इंडिया के सब कुछ कितने कमाल हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तानियों को जिन जो जो इंडिया होकर आए हैं, सही बात, सिर्फ आप उनके इंटरव्यू उठा कर देख ले, वो ऐसी तारीफ करेंगे हमारे देख ले, मुझे नहीं लगता कि किसी एक नेगेटिव बात की हो, क्यों उधर प्यार ही इतना दिया जाता है। सही बात, सही, हमारा मीडिया बोलता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, रियलिटी अंदर की किसी को कुछ जब वहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं तो उनको पता लगता है कि इंडियन कितना प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, कहते नहीं है जब हमने मतलब वहाँ पर
जैसे ही वो बॉर्डर के मतलब गेट पर गए उन्होंने हमें वेलकम किया, वेलकम किया जैसे वो हमारा रेड कार्ड है और कह रहे थे बहुत अच्छे से हाँ। मजार हो मस्जिद हो सब कुछ फिटनेस सब कुछ सही करके रखी हुई है। अच्छा तुम लोग गवर्नमेंट देखभाल करती है हिंदी सभी पे लिखा और भाई उनकी गवर्नमेंट इन मजारात मस्जिद की मतलब ये और कहते हैं कि उधर मुझे ये लगा कि वहाँ के लोग ज्यादा खुशहाल है, उनका रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके ट्रेन स्टेशन देखो सब कुछ हमसे मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस है। हमने एक पॉडकास्ट देखी थी वो जो एक भाई पाकिस्तान के इंडिया गए थे आए थे उन्होंने कहा था कि उधर काफी सारे मजारात ऐसे हैं जिसकी हिफाजत हिंदू कर रहे हैं, हिंदू लोग कर रहे हैं, उनकी सब काम कर रहे होते हैं, ये मैंने सुना है उनसे। ये चीज है यार जो भारत को एक बहुत ही कमाल का देश बनाती है, जो जाता है मैं कहता हूँ भारत का ही हो जाता है, ऐसा लोगों का प्यार उनको मिलता है। आप भी जैसे कहना है अपने रेकमेंड सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।